आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले के भीमपुर में पहुंचे बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह पैस, आदिवासी छात्रावास कोतकुंड में किया आकस्मिक निरीक्षण, देखी छात्रावास की व्यवस्थाएं। बैतूल जिले के चिचोली में बंद बोरे ने फैलाई सनसनी, लाश की आशंका होने पर पहुंची पुलिस, लेकिन उसमें से निकला मरा हुआ कुत्ता। बैतूल जिले के चिचोली में कल शुक्रवार को एक बंद बोरे ने सनसनी फैला दी। नगर परिषद कार्यालय के पास पड़े इस बोरे को जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। बोरी को देखकर इसमें किसी की लाश होने की आशंका जताई जाने लगी। पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। जब बोरा खोला गया तो सारी आशंका धरी की धरी रह गई। इस बोरे में से एक मरा हुआ कुत्ता निकला। पूरा मामला नगर पालिका परिषद कार्यालय के पीछे घटित हुआ, जहां पर सामुदायिक आदिवासी मंगल भवन और प्राथमिक शाला स्कूल के शौचालय के ठीक बीच की एक गली में बंद बोरा पड़ा हुआ था, जिस पर लगातार मक्खियां भिनभिना रही थी। देखते देखते लोगों ने इस पर आशंका जताना प्रारंभ कर दिया। बोरे को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग आशंका जताने लगे कि हो सकता है इसमें कोई मरे व्यक्ति की लाश हो, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल हो गया। नगर परिषद के एक कर्मचारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कुछ ही देर में दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने बोरे का मुआयना किया, जिस पर मक्खियां लगी हुई थी। बाद में सारी सच्चाई सामने आई। बैतूल आठनेर थाना क्षेत्र में घटित हुई दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने कल पीड़िता को लाया बैतूल के जिला चिकित्सालय। पीड़िता का कराया गया मेडिकल। बैतूल चिचोली थाना पुलिस के द्वारा भाई की हत्या करने वाले पति पत्नी को कर लिया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद कल मेडिकल के लिए लाया गया बैतूल के जिला चिकित्सालय। बैतूल घर में काम करते समय महिला हुई सर्पदंश का शिकार। महिला को जहरीले सांप ने काटा। जिला अस्पताल में भर्ती हुई महिला। मुझ गुहान गांव का है पूरा मामला। बैतूल प्रभातपट्टन के छिनखेड़ा गांव में महिलाओं ने सावन के अधिक मास में गांव की सुख समृद्धि के लिए किया भजन कीर्तन। बड़ी संख्या में शामिल हुई गांव की महिलाएं। बैतूल झल्लार थाना क्षेत्र का मामला। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय ने दो आरोपियों को सुनाई सजा। 20 साल की सजा के साथ 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। बैतूल चेक बाउंस का मामला। बैतूल न्यायालय ने टिकारी निवासी युवक का किया जेल वारंट जारी। पुलिस ने कल कराया जिला चिकित्सालय में मेडिकल। मुल्ताई के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भागवत कथा का हो रहा है आयोजन। तीसरे दिन सुनाई गई भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह की कथा। नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भागवत कथा का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। इसमें रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा के तीसरे दिन भगवान शंकर एवं मां पार्वती विवाह कथा का झांकी के साथ वर्णन किया गया। कथावाचक पंडित गणेश शंकर त्रिवेदी के मुखारबिन से भागवत कथा में इन दिनों प्रवचन दिए जा रहे हैं। कथा में उन्होंने कहा कि भगवान शंकर न्याय की दृष्टि रखते हैं एवं प्रत्येक प्राणी के साथ न्याय करते हैं, इसलिए देवों के साथ असुर भी उनके प्रशंसक और पूजक हैं। मुल्ताई नगर पालिका इन दिनों चला रही है जन जागरूकता अभियान। लोगों को मतदान के लिए किया जा रहा है जागरूक। कल मुल्ताई के नगर पालिका परिसर में मतदान करने और मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के संबंध में ली गई शपथ।
आमला रंबाखेड़ी गांव में तेज बारिश के बाद मकान गिरा। मकान गिरने के बाद पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। घर गृहस्थी का सारा सामान हुआ नष्ट। घोड़ा डोंगरी चूरी में प्रतिबंध के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे बैठकर पकड़ रहे थे मछलियां। नायब तहसीलदार ने मौका स्थल पर पहुंचकर सभी ग्रामीणों को दी नसीहत। घोड़ा डोंगरी नगर पालिका परिषद सारनी में पीआईसी की बैठक हुई संपन्न। दीनदयाल रसोई खोलने सहित 15 बिंदुओं पर हुई विस्तार पूर्वक चर्चा। शाहपुर वन विभाग शाहपुर के रिटायर्ड रेंजर के साथ दो लोगों ने की कथित रूप से मारपीट। मारपीट के बाद रिटायर्ड रेंजर हुए घायल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। भीमपुर कांग्रेसी विधायक ने कोथलकुंड ग्राम की जर्जर सड़क को लेकर बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस को कराया अवगत। बैतूल कलेक्टर ने जल्द ही इस पर काम करने को लेकर दिया आश्वासन। भैंसदई पुलिस ने ऑपरेशन अभिमन्यु अभियान के अंतर्गत कल भैंसदई के सीएम राइज स्कूल में पहुंचकर छात्र छात्राओं को दिलाई शपथ। चिचोली ग्राम बिघवा में अज्ञात चोरों ने किराना दुकान का ताला तोड़ा। ताला तोड़कर 50,000 रुपयों की करी चोरी। पुलिस थाने में चोरी का मामला हुआ दर्ज। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जा रही है जांच। आठनेर रेणुका सिद्धपीठ पर हनुमान मंदिर स्थापना महोत्सव का हुआ कल आयोजन। आयोजन में अखंड रामायण एवं हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग।